हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्वादिष्ट रेसिपी में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे मेरे सभी नए वीडियोस को देखने के लिए। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक बहुत ही टेस्टी स्वीट डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप घर में अवेलेबल सामान से बना सकते हैं। वैसे तो अभी ईद भी आने वाली है, तो इस ईद पर इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा, सबको बहुत ही पसंद आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सेवई की कुरकुरी टेस्टी बर्फी। तो इस रेसिपी को देखने के लिए मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस कुरकुरी सेवई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा पिस्ता कटा हुआ, थोड़ा सा इलायची पाउडर, काजू यानी कैसो नट्स, एलमंड्स कटा हुआ और ये मगज सीड्स। ये मैंने ली है रोस्टेड सेवई, तो हमें 100 ग्राम सेवई का ही यूज़ करना है, आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये मैंने लिया है नारियल पाउडर और ये 1 लीटर फुल क्रीम दूध है, इसे मैंने पहले से ही बॉयल कर दिया है, मलाई के साथ मैंने इसे लिया है। तो सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और एक पैन रखेंगे फ्लेम पे, फिर उसमें डाल देंगे जो हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है उसको, और ये ऑलरेडी बॉयल्ड मिल्क है तो मैंने इसे मलाई के साथ लिया था। अब हम इसे फिर से अच्छे से बॉयल करेंगे और इसका 1 लीटर दूध जो हमने लिया है उसको 25% उसका हम रिड्यूस कर देंगे। तो लो मीडियम फ्लेम पे हम दूध को अच्छे से कुक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि दूध का जो 25% जो भाग था वो अच्छे से रिड्यूस हो गया है, दूध भी थोड़ा सा पहले से थिक हो गया है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे ना, जो हमने नारियल पाउडर लिया था उसे डाल देंगे। अगर आपको नारियल पाउडर अच्छा नहीं लगता है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। और ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स कटे हुए लिए थे, इलायची पाउडर, इन सबको भी हम डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से कुक करेंगे दूध के साथ, और साथ में ही आप चाहें तो चीनी को भी ऐड कर दें। तो मैं सारे इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल दे रही हूँ 150 ग्राम चीनी। अब इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे। स्वीटनेस आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना मीठा पसंद करते हैं तो आप अपने स्वीटनेस के अकॉर्डिंग चीनी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से स्टर कर दिया है। अब बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से स्टर करते हुए दूध को बिल्कुल गाढ़ा होने तक, बहुत अच्छे से मतलब ठीक होने तक कुक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि पहले से हमारा दूध बहुत ज़्यादा थिक हो गया है। ये जितना हमने दूध लिया था 50% से भी ज़्यादा मैंने इसे रिड्यूस कर दिया है कुक करते हुए। तो अभी मैं इसे उतार कर पैन को साइड में रख देती हूँ। अब इसी गैस पे फ्लेम पे दूसरा पैन रख दूँगी, इसमें हमें सेवई को भूनना है। सेवई तो ऑलरेडी रोस्ट किया हुआ है ही, लेकिन थोड़ा सा इसे घी के साथ हम भूनेंगे, देसी घी के साथ, जिससे इस मिठाई का टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम सेवई, रोस्टेड सेवई, जिसे मैं डाल दूँगी इस पैन में और इसे 2 से 3 मिनट तक मैं अच्छे से लो मीडियम फ्लेम पर भून लूँगी। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट के बाद अब इस पैन को फ्लेम पे से उतार देंगे, साइड में रख देंगे, और जो हमने गाढ़ी रबड़ी तैयार की है ना दूध वाली, उस पैन को इस फ्लेम पे रख देंगे। अब हमने जो सेवई को रोस्ट किया है घी के साथ, उस सेवई को इसमें डाल देंगे। अब देखिए, हमें दूध के साथ सेवई को नहीं पकाना है, नहीं तो क्या होगा कि सेवई बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और ये बर्फ़ी जो है ना कुरकुरी नहीं बनेगी। तो इसलिए हम 1 लीटर दूध मैंने लिया था और 100 ग्राम सेवई मैं ली हूँ, और उसमें मैं यूज़ की हूँ 150 ग्राम चीनी, ये क्वांटिटी है इसका। और इसलिए मैंने दूध का यहाँ पे 50% से भी ज़्यादा उसको मैंने रिड्यूस कर दिया है दूध को कुक करते हुए, ताकि दूध भी एकदम अच्छे से गाढ़ा हो जाए, जिससे कि सेवई की बाइंडिंग जो है ना बहुत ही अच्छे से होगी और सेवई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होगा, बिल्कुल कुरकुरा रहेगा, तो खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो अभी मैं इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ सेवई को अच्छे से मिक्स करते हुए इसको बिल्कुल अच्छे से ड्राई होने तक मैं कुक कर लूँगी। तो लो मीडियम फ्लेम रखें, कंटिन्यूसली स्टर करते रहें ताकि ये जले नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दूध की जो हमने रबड़ी बनाई थी वो सेवई के साथ कितने अच्छे से कुक हो गया है, और ये सेवई की बाइंडिंग भी हो रही है, लेकिन सेवई बिल्कुल ही कुरकुरा है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हुआ है। इसे बर्फ़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। अब इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस पैन को उतार कर साइड में रख देंगे और बिल्कुल 3 से 4 मिनट तक बस ठंडा होने देंगे, जितना कि हमारा हाथ हम उसे हाथ से टच कर सकें, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट तक मैंने इसे बस ठंडा होने दिया है। बहुत ठंडा कर लेंगे तो फिर बर्फ़ी अच्छी नहीं बनेगी, उसमें क्रैकनेस आ जाएगा
और बहुत गर्म करेंगे तो आपका हाथ जल सकता है, इसलिए इतना तक हमें ठंडा करना है कि हाथ से हम इसे टच कर सके। अब मैंने इस तरह का एक बाउल लिया था छोटा सा, आप कोई भी कैप भी ले सकते हैं, और फिर मैंने उसमें थोड़ा सा घी लगा दिया था। अब थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालेंगे, आपको जितना मोटा जितना बड़ा बर्फ़ी बनाना है उसके अकॉर्डिंग इसमें मिक्सचर को डालेंगे। तो मैं इस तरह से इस मिक्सचर को इसमें डाल दे रही हूँ और अपने उंगलियों की हेल्प से इसे अच्छे से स्प्रेड कर दे रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने बहुत अच्छे से इस बाउल में इसे डालकर स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इसे अपने हाथ पे इसे पलट लूँगी। तो ये देखिए आ गया इसका शेप बर्फ़ी का, बहुत ही प्यारा शेप इस तरह से आता है। आप चाहें तो इस बर्फ़ी को, इस सेवई का जो मिक्सचर है उसको आप प्लेट में या फिर ट्रे में जमा कर आप लंबे साइज़ वाली बर्फ़ी को भी बना सकते हैं। अब इसी तरह से सेम प्रोसेस को करते हुए सारे बर्फ़ी को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने सारी बर्फियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। घर में अवेलेबल बहुत ही कम सामान से तैयार होने वाली है बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई जो है बनकर तैयार है। मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ कटे हुए पिस्ता से, जिससे कि देखने में और भी खूबसूरत लगेगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी सेवई की स्वादिष्ट कुरकुरी बर्फ़ी। देखने में जितना ही खूबसूरत लग रहा है उससे कई ज़्यादा खाने में ये स्वादिष्ट है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि सेवई की ये बर्फ़ी की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट में साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।